आखिर क्यों मंजरी ने अपनी ही चहेती यानी कि आरोही को निकाला बिरला हॉस्पिटल से, वो भी धक्के मार के। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ऐसा क्या होगा कि मंजरी को उठाना पड़ेगा इतना बड़ा कदम कि वो अपनी ही चहेती आरोही को निकाल देगी बिरला हॉस्पिटल से। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां एक और अभिमन्यु और मंजरी को हो गया है आरोही पे शक कि कोई ना कोई बात तो आरोही छुपा रही है, वहीं दूसरी ओर आरोही का बड़ा सच आने वाला है मंजरी के सामने। जी हाँ, मंजरी करती है घर की सफाई तो उसके हाथों लगते हैं कुछ ऐसे कागज जो कि आरोही ने छुपाए हैं अपने कमरे में। मंजरी हो जाती है शॉक क्योंकि आज तक आरोही कभी भी बिरला हॉस्पिटल से जुड़े कागज घर पे नहीं लाती थी। किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट हो या फिर कोई भी कागज हो, आरोही हॉस्पिटल के पेपर्स घर में नहीं रखती थी। ये बात कर देगी मंजरी को शॉक और मंजरी जब वो पेपर खोल के देखेगी तो सारा का सारा सच आ जाएगा मंजरी के आँखों के सामने। जी हाँ, फिर मंजरी को पता चल जाएगा कि आरोही को पता लग गया था कि अभीर किसी और का नहीं, अभिमन्यु का बेटा है, लेकिन फिर भी आरोही ये बात छुपा रही है पूरे के पूरे परिवार से क्योंकि आरोही हो गई है सेल्फिश और वो करना चाहती है अभिमन्यु से शादी। जब ये सच आएगा मंजरी के सामने तो मंजरी काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाली है और वो सीधा निकल जाएगी बिरला हॉस्पिटल पेपर्स लेके। अब वहाँ पर वो करने वाली है आरोही पे गुस्सा, जिसके बाद मंजरी गुस्से में धक्के मार के निकाल देगी आरोही को बिरला हॉस्पिटल से। जी हाँ, अपनी ही चहेती को निकाल देगी मंजरी बिरला हॉस्पिटल से क्योंकि उसके सामने आ गया है आरोही का बड़ा सच। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरे होने वाले हैं और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैसी लगती है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।